मैनुअल एल्बम क्रिएशन। अगर आप कोई फोटो को बैकग्राउंड की तरह यूज करना चाहते हैं तो उसे यूज कर सकते हैं। पहले जिस पेज पे आप फोटो को बैकग्राउंड की तरह यूज करना चाहते हैं उस पेज को लेफ्ट लेफ्ट राइट या राइट से सिलेक्ट कीजिए। फोटो टैब में जाइए, जिस फोटो को आप बैकग्राउंड की तरह सेट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए। सेट फोटो एज बैकग्राउंड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। फोटो बैकग्राउंड की तरह सेट हो जाएगा। फोटो के साथ साथ आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं और पेज को डिफरेंट लुक दे सकते हैं। पेज साइड सिलेक्ट कीजिए और बैकग्राउंड टैब से बैकग्राउंड अप्लाई कीजिए। पेज पे आप एक साथ एक से ज्यादा फोटोज को ऐड कर सकते हैं। एक से ज्यादा फोटोज को ऐड करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके एक से ज्यादा फोटोज को सिलेक्ट कीजिए। फोटो सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ऐड फोटोज ऑप्शन से फोटोज को एक साथ इंसर्ट कीजिए। सारे फोटोज इंसर्ट हो जाएंगे। आप बिना कोई मैनुअल अलाइनमेंट के फोटोज की ग्रिड फॉर्म कर सकते हैं। फोटोज को सिलेक्ट कीजिए। आप फोटो ग्रिड ऑप्शन से ग्रिड की रोज और कॉलम डिफाइन कीजिए। आप ग्रिड की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग भी मैनेज कर सकते हैं। ग्रिड के पैरामीटर्स डिफाइन करने के बाद क्रिएट ऑप्शन से ग्रिड क्रिएट कीजिए। ग्रिड क्रिएट हो जाएगी। आप ग्रिड को रिसाइज करके मूव भी कर सकते हैं। फोटो को पैन करके उसे ग्रिड में प्रॉपरली विजिबल कीजिए। ब्रेक ऑप्शन यूज करके ग्रिड को ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो कोई भी दो फील्ड्स को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। पहले फोटोज को सिलेक्ट कीजिए और मर्ज ऑप्शन से फील्ड्स को मर्ज कीजिए। फील्ड्स मर्ज हो जाएंगे और एक ही फोटो ग्रिड में विजिबल होगा। ग्रिड को आप आउटलाइन या शेडो इफेक्ट देके हाईलाइट भी कर सकते हैं। पेज को फिल करने के लिए आप स्लोगन टैब से स्लोगन भी ऐड कर सकते हैं। जो स्लोगन आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कीजिए। ब्राउज करके आप कोई भी जेपीजी या पीएनजी को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे स्लोगन की तरह यूज कर सकते हैं। रेडिटोन ऑप्शन से आप इंसर्ट किए हुए स्लोगन की 18 रेडिटोन्स जनरेट कर सकते हैं। मनचाही रेडिटोन इंसर्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक कीजिए। रेडिटोन रिसेट करने के लिए रिसेट ऑप्शन यूज कीजिए। अगर आप स्लोगन पे कोई इफेक्ट कर देना चाहते हैं तो इफेक्ट टैब से कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। पेज को यहां से नेविगेट कीजिए। फोटो टैब से फोटो इंसर्ट कीजिए। फोटो को डिफरेंट लुक देने के लिए आप उसे स्प्लिट भी कर सकते हैं। फोटो को सिलेक्ट कीजिए और स्प्लिट फोटो ऑप्शन से फोटो को स्प्लिट करने के लिए रोज और कॉलम डिफाइन कीजिए। फोटो पार्ट्स के बीच की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग भी मैनेज की जा सकती है। सारे पैरामीटर्स डिफाइन करने के बाद स्प्लिट ऑप्शन से फोटो को स्प्लिट कीजिए। ब्रेक ऑप्शन से आप स्प्लिट को ब्रेक भी कर सकते हैं। पेज के लिए सूटेबल बैकग्राउंड इंसर्ट कीजिए। फोटो के इंडिविजुअल पार्ट्स को आप अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। जिन पार्ट्स को आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट कीजिए और इफेक्ट स्टेप से मनचाहा इफेक्ट अप्लाई कीजिए। इस तरह से आप अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक और फोटो इंसर्ट करते हैं। फोटो को सिलेक्ट कीजिए और कलराइज ऑप्शन से फोटो को कलराइज इफेक्ट दीजिए। मास्क टैब से आप फोटो पे मास्क अप्लाई कर सकते हैं। मास्क टैब में जाइए। एल्बम एक्सप्रेस आपको कई मास्क देता है। ब्राउज करके आप आपके द्वारा बनाए गए मास्क भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप मास्क थंबनेल्स बढ़ा या घटा सकते हैं। फोटो को सिलेक्ट कीजिए और जो मास्क आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कीजिए या उस मास्क को ड्रैग करके फोटो पे ड्रॉप कीजिए। अगर आप मास्क को रोटेट करना चाहते हैं तो 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री के बटन्स को यूज कीजिए। आप मास्क को यहाँ से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हैं। रिसेट ऑप्शन से मास्क को रिमूव कीजिए। एल्बम एक्सप्रेस में आप फोटोज का लेयर मास्किंग भी कर सकते हैं। फोटो को सिलेक्ट कीजिए। लेयर मास्क टैब में जाइए। यहाँ आपको मास्किंग के लिए कई तरह के ब्रशेस दिए गए हैं, जिन्हें आप मास्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी ब्रश सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप ब्रश साइज ओपेसिटी और फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। जिस प्लेस पे आप मास्क अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कीजिए।
आप देख पाएंगे कि वो एरिया इनविजिबल हो चुका है। कंट्रोल की प्रेस करके आप करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। करेक्टेड एरिया वापस दिखाई देगा। शिफ्ट की प्रेस करके आप हॉरिजॉन्टल मास्किंग कर सकते हैं और ऑल्ट की प्रेस करके आप वर्टिकल मास्किंग कर सकते हैं। मास्किंग करने के बाद एग्जिट बटन से मास्किंग से एग्जिट कीजिए। इस तरह से आप अलग अलग ब्रशेस यूज करके फोटो को और भी अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। क्लियर बटन से मास्क क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे जाइए। अगर आप पेज के राइट साइड में टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं तो टेम्पलेट टैब में जाइए। राइट पेज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। टेम्पलेट को पेज पे इंसर्ट करने के लिए आप टेम्पलेट पे डबल क्लिक कीजिए या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंसर्ट कर सकते हैं। अब अप्लाई किए हुए टेम्पलेट पे राइट क्लिक कीजिए और फ्लिप पेज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ हम हॉरिजॉन्टल ऑप्शन चुनेंगे। अब इस टेम्पलेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। फोटोज टैब से फोटोज इंसर्ट कीजिए और इस तरह से पैनिंग कीजिए। अब माय एल्बम टैब में जाइए। यहाँ आप आपका एल्बम रेडी देख सकते हैं। फोटो के यूज स्टेटस के मुताबिक आप उन्हें फिल्टर भी कर सकते हैं। मतलब आप यूज किए हुए फोटोज को और यूज ना किए हुए फोटोज को अलग अलग देख सकते हैं। फोटो टैब में जाइए। फिल्टर ड्रॉप डाउन मेन्यू से यूज्ड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इस एल्बम में जितने फोटोज यूज किए गए हैं वो सारे फोटोज दिखाई देंगे। इस तरह से आप अनयूज्ड फोटोज को भी देख सकते हैं। इससे आप बचे हुए फोटोज का बचे हुए पेजेस पे यूज डिसाइड कर सकते हैं। सारे फोटोज देखने के लिए फिल्टर ऑप्शन से ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। माय एल्बम टैब में जाइए। नंबर ऑफ पेजेस लिस्ट बॉक्स में जाइए। यहाँ से आप एल्बम में पेजेस ऐड कर सकते हैं। अपनी जरूरत के मुताबिक नंबर ऑफ पेजेस सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आप ऐड किए हुए पेजेस को देख सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस लिस्ट बॉक्स से आप पेजेस को डिलीट कर सकते हैं।